नाज़रीन, कराची में जहां हर गुजरते दिन के साथ गैस की तलब में इजाफा हो रहा है, वहीं सुई सदन की जानिब से ओवर बिलिंग की शिकायत भी बढ़ रही है। इस बारे में देखते हैं सुहेल जमाली की ये रिपोर्ट। गुज़िश्ता कुछ अरसे से सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से बिलों में इजाफी रकम की वसूली और ओवर बिलिंग की शिकायत से शहरी शदीद अजियत और बेचैनी का शिकार हैं। स्टिकी किलोमीटर और PUG यानी माजी में इस्तेमाल की गई इजाफी गैस के नाम पर सारिफीन के माहाना बिलों में सैकड़ों रुपए इजाफी शामिल किए गए हैं। बिल बहुत आ रहा है, हर महीने हमको यहाँ आना पड़ता है, लेकिन भरने के बावजूद भी कभी 1000 कभी 1500। पहले बिल 250-300 का आ रहा था, आज 700-900-1100 इस तरह का बिल आ रहा है। हर महीने आ रहा है, कभी 800 आता है, कभी 1000 आता है, कभी 1200 आते हैं, कभी 900 आते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दो मेरे बच्चे, दो मेरी बीवी, हम अब 1600 का बिल आ रहा है किस लिए, जब हमारे घर में तेरी फैमिली नहीं है, हम चलाते नहीं है, तो इतना बिल कहीं से बढ़ेंगे हम लोग। इदारे के तर्जुमान का कहना है कि ये शिकायत सारिफीन की लाइलमी के बाइस जन्म ले रही है। तो ये कहना बेबुनियाद होगा कि हम PUG लगा के आवाम को लूट रहे हैं। हम PUG लगा रहे हैं, एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं, और ये वो स्लो मीटर्स हैं जिनकी वजह से गैस की सही मकदार कैलकुलेट नहीं हो रही थी, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये नॉर्मल प्रोसेस है जो हम ईयर टू ईयर बेसिस कर रहे हैं। ये बात हकीकत है कि सुई सदरन गैस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना होने की वजह से कराची के हजारों मीटर खराब हो गए हैं, जो दुरुस्त रीडिंग के बजाय कम यूनिट दिखाते हैं। लोगों के बिल चूंकि स्लो मीटर की वजह से कम आ रहे थे और वो आदी हो गए थे कि 200-250 रुपए के बिल के, तो इसलिए वो नाराज हुए कि भाई हमारा बिल इन्फ्लेटेड है, जबकि उनका एक्चुअल बिल आना ही 550-550 रुपए का चाहिए था। ऐसी खबरें भी हैं कि शिकायती मराकज पर योमिया सैकड़ों लोग शिकायत दर्ज कराते हैं मगर मसला हल नहीं होता। मगर सब कुछ ऐसा नहीं है, अक्सर सारिफीन की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाती है और इनमें से कुछ मराकज के औकाते कार भी बढ़ाए गए हैं। इस वक्त हमारे कराची के अंदर औरंगी मेगा सेंटर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, कोरंगी हो रहा है और नाजमाबाद, इन एरियाज को हम 8 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे कस्टमर किसी भी टाइम आ सकता है। स्टाफ कोऑपरेटिव है, माशाल्लाह से कोई इशू नहीं होता, आराम से सारे काम हो जाते हैं। हमारे को कोई इतना बड़ा मसला नहीं हुआ, आए और हमारा फौरन काम हो गया। कोरोना की वबा में जबकि आवाम पहले ही दूसरे मसाइल से दो चार है, वहाँ इजाफी बिलिंग का बोझ उनकी तकलीफ में मजीद इजाफा कर रहा है। गैस सारिफीन की जायज शिकायत के इजाले के लिए इदारे को ठोस इकदाम करना होंगे। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची।